एक इंसान जिसकी वजह से आज हम एक इजी लाइफ जी रहे हैं। ध्यान से देखिए इन्हें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये पूरी दुनिया सरवाइव कर रही है। पर इन्होंने ऐसा किया क्या था? सिर्फ कुछ रबर प्लांट के सीड्स ब्राजील से स्मगल करके एशिया लेकर आए थे। लेट 19th सेंचुरी में साउथ अमेरिका और ज्यादातर ब्राजील में ही रबर प्लांट के सीड्स पाए जाते थे, जिसे साउथ अमेरिका किसी और देश को देता नहीं था। और फिर डिस्कवर हुआ गाड़ियों में लगने वाला टायर, जिसमें सबसे ज्यादा रबर का इस्तेमाल होता था। और ब्रिटिशर्स इस मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर हेनरी अलेक्जेंडर वेकम को बोला कि वो ब्राजील से कुछ रबर प्लांट के सीड्स स्मगल करके एशिया लेकर आए। और उन्होंने लगभग 70,000 सीड्स स्मगल करके शिप से एशिया लाया और ब्रिटिशर्स को दे दिया। बाद में इन्हीं सीड्स से 35 साल तक एशिया में रबर प्लांटेशन हुई और ज्यादातर श्रीलंका और मलेशिया में किया गया। यहाँ धीरे धीरे एशिया में रबर प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा था, और वही ब्राजील में डेडली फंगस ने रबर प्लांटेशन पे अटैक किया और सारे प्लांटेशन को खा गया। पर क्योंकि एशिया ने तब तक लकली रबर प्लांटेशन को डेवलप कर लिया था, इसलिए पूरे वर्ल्ड में रबर का सप्लाई रुका नहीं। तो सर हेनरी के लिए इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।